उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट के पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है जल्दी जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर वन बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास, किसानों का हो चहुमुखी विकास। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहां पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहां पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहां पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशु पालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा शीतकालीन सत्र में आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट, 8 विधेयक को भी पटल पर रखेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आश्वासन मिलने के बाद सचिवालय संघ ने खत्म की हड़ताल, आज नियत समय पर खुले सभी अनुभाग। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद शोक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दौरा स्थगित, 11 दिसंबर को केजरीवाल को आना था काशीपुर। और सादगी के साथ 11 दिसंबर को आईएमए में होगी पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पीओपी में करेंगे शिरकत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। आज शीतकालीन सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा और इसके अलावा सरकार उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के लिए सदन में विधेयक भी पेश करेगी। साथ ही 8 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को खत्म करने का फैसला लिया गया था। वो 8 कौन से विधेयक होंगे, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
चलिए ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ सदन में आज खास रहेगा। देखिए विधानसभा का सत्र का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और देखिए तो आज विपक्ष ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जब शुरू में हमने आज सुबह बात की थी विपक्ष के नेताओं से तो जिस तरीके के उनके तेवर थे उससे साफ है कि आज वो हमारी सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेंगे और कानून और व्यवस्था के मसले पर इसके साथ ही बेरोजगारी के मसले पर आज विपक्ष घेर सकता है तो पूरी तैयारी है। इसके साथ ही कई और मसले भी हैं जिन पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मसला उठाया जा सकता है सदन में जिसे लेकर विपक्ष ने तैयारी कर रखी है जी। तो आज जो लग रहा है कि आज का जो दूसरा दिन होगा वो पूरी तरीके से हंगामेदार हो सकता है रचना जी। जैसा आप बता रहे हैं आशीष की हंगामेदार हो सकता है, इसके साथ ही कुछ विधेयक भी पास होने की जानकारी है और अनुपूरक बजट भी आ सकता है, तो क्या कुछ खास रहेगा इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आज अनुपूरक बजट लाने की तैयारी है, हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहां पर अभी मौजूद नहीं है, वो दिल्ली में है और जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे, इसलिए हालांकि कार्यसूची में ये जरूर है कि आज अनुपूरक बजट लाया जाना है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि इसको लेकर संशय हो सकता है शायद शाम तक अनुपूरक बजट लाया जाए, तब तक शायद मुख्यमंत्री का इंतजार शायद किया जाएगा इसके लिए जी। तमाम जानकारी देने के लिए आशीष आपका शुक्रिया। और बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 11 दिसंबर को काशीपुर का दौरा रद्द कर दिया गया है। वहीं काशीपुर आगमन को लेकर रामनगर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में आज रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी। ये सब कार्यक्रम तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले आश्वासन के बाद सचिवालय संघ ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि कल रात अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी के नेतृत्व में सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संघ की सभी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला लेने की जानकारी देने के साथ ही आश्वासन दिया है, जिसके बाद सचिवालय संघ ने हड़ताल को वापस ले लिया है और दो दिन की हड़ताल के बाद आज नियत समय पर सभी अनुभाग खोले गए। देहरादून में 11 दिसंबर को होने वाली आईएमए पासिंग आउट परेड को शनिवार में सादगी के साथ आयोजित किया जाएगा। सेना प्रमुख से दिशा निर्देश मिलने के बाद अकेडमी प्रबंधन ने कल देर शाम जानकारी दी। बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी पीओपी में शिरकत कर पासिंग आउट परेड के बैच के कैडेट्स को संबोधित करेंगे। हालांकि शेड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और इसके साथ ही लाइट और साउंड शो को राष्ट्रीय शोक के चलते रद्द कर दिया गया है। बता दें आपको कि इस पीओपी में राष्ट्रपति के साथ सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत को भी शामिल होना था, लेकिन तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस समेत कई अफसरों की दुखद मौत के बाद पूरे देश में शोक का कुल का माहौल है और इसी के चलते पीओपी को सादगी के साथ किया जा रहा है। बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव की। उत्तराखंड अब तक 4 विधानसभा चुनाव को देख चुका है और 5वें विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। हर चुनाव में लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही कांटे का मुकाबला देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुनाव में एक नहीं दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा पार्टियों ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ा है। यकीनन इस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको 2022 के बिसात में इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। विधानसभा के हर चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही तमाम ऐसे दल भी मैदान में उतरते हैं जिनका नाम न किसी ने पहले कभी सुना होता है और न ही उनका सियासी कोई वजूद होता है, लेकिन ये दल चुनाव में भारी भरकम मुद्दों के साथ जनता के बीच जाते हैं, लेकिन अपनी जमानत जब्त होने के बाद गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो जाते हैं। चुनाव आयोग ने 2002, 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने वाले ऐसे तमाम सियासी दलों की सूची जारी की है जिसमें शामिल नाम पढ़कर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये नामों की फहरिस्त तो बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सियासी तस्वीरों के आंकड़ों की बाजीगरी जरूर समझाते हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में 28 दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 37 दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था।
2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़ गया और सबसे ज्यादा 43 सियासी दलों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में संख्या थोड़ी घट गई, बावजूद इसके 34 दलों ने अपनी सियासी किस्मत को आजमाया। अब बारी 2022 के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें राष्ट्रीय दलों के साथ तीसरे विकल्प के तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी उतरी है। पहली बार सियासी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। तीसरे विकल्प का दावा कर रही आप ने भाजपा की घेराबंदी के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों का भरोसा जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा और कितने दल सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 के बिसात में उत्तरकाशी जिले की विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों की तस्वीर के बाद आज 2022 की बिसात में बात करेंगे टिहरी जिले की। टिहरी जिले के घनश्याली विधानसभा सीट पर अब तक विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण रहे, कौन कब जीता, कौन कब हारा और इस बार किसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। 2022 की बिसात में आपको हम कई विधानसभा सीटों से रूबरू करा चुके हैं, लेकिन आज आपको यमुनोत्री विधानसभा सीट के सियासी समीकरण से रूबरू कराएंगे कि अब तक क्या कुछ यमुनोत्री विधानसभा सीट पर देखा गया है और आगे क्या कुछ होने वाला है, देखिए यह खास रिपोर्ट। यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपने दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं, वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए। 2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उकरांत के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उकरांत के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लब्बो लबाब निकल कर सामने आता है कि कभी उकरान तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहां मात देती आई है, लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दाव खेलेगा, ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। रुड़की के सिविल लाइन अस्पताल में दूसरे दिन भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी के संगठन की हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी दो सूत्रे मांग पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। दो सूत्रे मांग को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे तत्काल लागू किया जाए और यही नहीं कर्मचारियों ने भर्ती के ठेकेदारी प्रथा को भी बंद करने की मांग की है।
ये धरना अभी हमारा 7 तारीख से जारी हुआ है। इसमें हमने 3 दिन आकस्मिक सेवाएं ये सब बंद रखी थी आज तक के लिए, और जो कि तत्काल एक लेटर आया है कि 8 तारीख से ही बंद कर दिया जाए। तो कल से हमारा लैब, ब्लड बैंक ये सब बंद हो गया है, लैब भी हो गई है। और आज सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने रुड़की में हमारे भगवानपुर से, नारसन से, इमली खेला से सभी लोग आए हैं, सभी मेरे साथ खड़े हैं, वहाँ के अध्यक्ष लोग खड़े हैं सभी। और सबसे पहले हमने शुरुआत की है अपने जो CDS विपिन रावत जी हैं, इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। रुड़की के रामपुर रोड पर इस्लाम नगर में पिछले 2 सालों से अवैध रूप से लग रहे बाजार को प्रशासन ने हटाकर दोबारा बाजार न लगाने की चेतावनी दी है। नगर निगम के परमिशन के बिना इस बाजार को लगाया जा रहा था, जिसके बाद आउट सोर्स की वजह से जानकारी मिली और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से सजे बाजार को प्रशासन ने वहां से हटा दिया। इसके लिए पुलिस को हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बच्ची मोहल्ला वाला हमारा मार्केट है, इसमें बिना परमिशन के आज की डेट में बृहस्पतिवार को ये लोकल मार्केट लगता है, तो बिना परमिशन के, नगर पालिका के बिना परमिशन के मार्केट लगा है। कोरोना संक्रमण को भी देखते हुए भी ये कार्रवाई जाकर के हम देखते हैं कितना कोविड नियमों का पालन किया जाए। बिना परमिशन के मार्केट लगेगा तो इलीगल है, इसमें नियमानुसार कार्रवाई की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधानसभा शीतकालीन सत्र में आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट, 8 विधेयक को भी पटल पर रखेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आश्वासन मिलने के बाद सचिवालय संघ ने खत्म की हड़ताल, आज नियत समय पर खुले सभी अनुभाग। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद शोक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दौरा स्थगित, 11 दिसंबर को केजरीवाल को आना था काशीपुर। और सादगी के साथ 11 दिसंबर को IMA में होगी पासिंग आउट परेड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद POP में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहाँ दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है, और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशु पालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास
इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम। किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार।